कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के नाम पर धोखा हुआ है। इस मामले में पीड़ित किसानों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एक बार फिर बड़ा हमला बोलते हुए कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कमल पटेल ने कहा, जिन किसानों को कर्ज मुक्ति के प्रमाण पत्र मिले हैं उनका भी कर्ज माफ नहीं हुआ है। कमल पटेल ने कहा, धोखाधड़ी का शिकार हुए किसानों को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ धारा 420 और 120 के तहत प्रकरण दर्ज कराने थाने जाना चाहिए या कोर्ट में इस्तगासा दायर करना चाहिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 दिन में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज को माफ करने का वादा किया था, लेकिन 2 लाख कर्ज वाले एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। कर्ज माफी के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों की संस्था कोऑपरेटिव बैंक को बर्बाद कर दिया है। अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने किसानों के साथ षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी की कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन एक भी किसान का कर्जा 2 लाख का माफ इन्होंने नहीं किया। और किसानों की जो संस्था है कोऑपरेटिव बैंक उसको बर्बाद कर दिया। सोसाइटियों को प्रशासकों से जबरदस्ती प्रस्ताव बुलवा लिए गए, जबकि उनको अधिकार ही नहीं है किसानों की संस्था के कि 50% ऋण हम सहन करने को तैयार है, और पूरी सोसाइटियों को डिफाल्टर कर दिया गया। इसलिए किसान समितियां ही ऋण देने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए किसानों को ऋण नहीं मिल रहा। उसके लिए अगर कोई दोषी है मध्य प्रदेश में एकमात्र व्यक्ति वो है कमलनाथ जी, और इसलिए कमलनाथ जी के खिलाफ हमने कहा है किसानों से कि जाएं थानों में रिपोर्ट लिखाएं, कोर्ट में जाएं, प्राइवेट इस्तगासा लगाएं, 420 का मुकदमा राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ जारी कराएं। कमल पटेल ने बताया कि अधिकार नहीं होने के बाद भी कोऑपरेटिव बैंक के प्रशासकों से आधा कर्ज वहन करने के प्रस्ताव मांग लिए गए, लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ तो किसान डिफॉल्टर हो गए। किसानों की संस्थाएं कर्ज देने की स्थिति में नहीं बची हैं, इसलिए किसानों को कर्ज नहीं मिल पा रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस स्थिति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराते हुए किसानों से धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। कमल पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कमलनाथ ने 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्य सचिव ने भी आदेश को जारी कर दिया। जिन किसानों को कर्ज मुक्ति के प्रमाण पत्र मिले हैं उनका भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। यह किसानों के साथ धोखाधड़ी है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। और जो कुछ भी आज किसान बर्बाद हुआ, संस्थाएं पूरी डिफॉल्टर हो गई है, कोऑपरेटिव बैंक डूब गई कर्ज में, तो उसके लिए दोषी कमलनाथ जी। इन्होंने लिख दिया मुख्यमंत्री बनते से कहा कि 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा 2 लाख तक का अल्पकालीन माफ किया जाता है। प्रमुख सचिव ने आदेश जारी कर दिए, प्रमाण पत्र दे दिए गए, लेकिन कर्जा माफ नहीं किया गया, और इसलिए इसके लिए दोषी अगर कोई है धोखाधड़ी किसानों के साथ की है तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की है, उनकी सरकार ने की है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।